प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। श्रावण अधिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी 6 अगस्त 2023 दिन रविवार की रात में 4:30 के बाद अर्थात 7 अगस्त की सूर्योदय के साथ ही शुक्र वक्री गति से सिंह राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वक्री गति से 3 सितंबर को मार्गी होंगे और 2 अक्टूबर को पुनः सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात 2 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे, जली तत्व की राशि में विद्यमान रहेंगे। तो किस प्रकार का परिवर्तन लाने जा रहे हैं इसको जानेंगे मेष से लेकर के मीन राशि तक। तो मेष राशि में चतुर्थ भाव में जाएंगे, सुख भाव में जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में धन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी, माता के सुख सानिध्य में वृद्धि होगा, गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगा, जीवन साथी का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, कार्यस्थल पर आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, प्राइवेट सेक्टर में है तो वहां भी अच्छा करेंगे और सरकारी क्षेत्र में है तो वहां भी आप अच्छा प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। आप अपने उच्च अधिकारियों से सहानुभूति प्रोत्साहन पाते हुए दिखाई देंगे, सहयोग प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, तो अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है मेष राशि वालों के लिए। वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में या गोचरीय परिवर्तन होने जा रहा है, तो पराक्रम थोड़ा सा कम होता है परंतु लग्नेश होकर जा रहा है तो सामाजिक दायरा बढ़ जाएगा, मित्रों का सहयोग सानिध्य बढ़ जाएगा, मित्रों का सहयोग बढ़ जाएगा, मित्रों के सहयोग से कुछ नया कर पाएंगे आप, किसी न किसी मित्र के कारण आपके भाग्य में परिवर्तन होता दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन अति घनिष्ठ व्यक्ति पारिवारिक जन भी हो सकते हैं जो आपको तनाव दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, यहां आपको सतर्क रहना है। आपका स्वास्थ्य भी आपको तनाव दे सकता है, यहां आपको ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि की बात करेंगे, मिथुन राशि में कुटुंब में भाव में आ रहे हैं, दूसरे भाव में जा रहे हैं, कर्क राशि में जा रहे हैं, तो ऐसे में कुटुंब में वृद्धि होगा, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगा, धन में वृद्धि होगा, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र में जैसे सेल्स मार्केट हुआ, जैसे वकालत हुआ, जैसे टीचिंग फील्ड हुआ, इन क्षेत्रों से यदि जुड़े हुए हैं तो वहां पर आप अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आप अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर भी कुछ अच्छा करेंगे इस अवधि में। साथ में पेशाब संबंधी समस्या के कारण तनाव भी हो सकता है, अतः आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि की बात करेंगे तो कर्क राशि में आपके राशि पर ही जा रहे हैं, लग्न पर ही जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मन में प्रसन्नता का भाव होगा, चतुर्थेश होकर जा रहे हैं, लाभेश होकर जा रहे हैं, तो मन में प्रसन्नता का भाव होगा, मन में कलात्मकता का भाव होगा, मन में एक सहर्ष का बात होगा, उल्लास की बात होगी, तो ये अच्छी बात है। आप कुछ अच्छा अनुभूति कर पाएंगे, सुख की अनुभूति कर पाएंगे, गृह और वाहन सुख की अनुभूति कर पाएंगे, माता के स्नेह की प्राप्ति कर पाएंगे, प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी कुछ बौद्धिक आधार पर नया कार्य आप करते हुए इस अवधि में दिखाई देंगे। लाभ में वृद्धि होगा, सुख में वृद्धि होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों में सुधार होगा, साझेदारी के कार्यों में भी सुधार होता दिखाई देगा इस अवधि। सिंह राशि की बात करेंगे तो सिंह राशि में व्यय भाव में जा रहे हैं, द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो शुक्र को व्यय भाव का दोष नहीं लगता, द्वादश भाव का दोष नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर शुक्र आपके लिए बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे, भोग में वृद्धि करेंगे, यात्रा खर्च में वृद्धि करेंगे, सांसारिक सुखों में वृद्धि करेंगे, खूब घुमाएंगे, अपने दाम्पत्य जीवन साथी के साथ आप घूम सकते हैं, अकेले घूम सकते हैं, मित्रों के साथ घूम सकते हैं, लेकिन मित्रों के साथ घूमने की संभावनाएं ज्यादा है क्योंकि सप्तृतीय होकर के वैभव पर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अत्यधिक खर्च नहीं करना है, नहीं तो कर्ज में आ जाएंगे आप। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है, परिश्रम में अवरोध की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है, इस बीच में आप अपने मूल उद्देश्य भटकते हुए दिखाई देंगे, तो यहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। स्किन एलर्जी के प्रति भी आपको सावधान रहना। कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या राशि में
परम राजयोग कारक हो जाते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। शुक्र बहुत अच्छा परिणाम कन्या राशि वालों को देते हैं, कन्या लग्न वालों को भी देते हैं। ऐसे में इनका लाभ अभाव में गोचरी परिवर्तन होने जा रहा है। लाभ अभाव में जाकर के शुक्र भाग्येश होकर के जा रहे हैं, तो भाग्य का खूब साथ प्राप्त होगा। कार्यों में धन बढ़ेगा, कुटुंबजनों में सहमति बनेगी, नया कार्य होगा, परिवार में सकारात्मक प्रगति होता दिखाई देगा। आप किसी भी महिला से धन प्राप्त कर सकते हैं, शेयर बाजार के क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, संतान के पक्ष से शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति बनेगी, तो आपके लिए यह समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। परिवारिक जनों का लाभ मिलेगा, पैतृक सुख संपत्ति का लाभ मिलेगा, पिता का वर्चस्व बढ़ेगा, पिता का साथ प्राप्त होगा, पिता के स्नेह में वृद्धि होगी। इस प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचरी परिवर्तन निश्चित तौर पर बहुत अच्छा परिवर्तन कहा जाएगा 2 अक्टूबर 2023 तक। अब हम तुला राशि की बात करेंगे, तो तुला राशि में दशम भाव में जा रहे हैं लग्नेश होकर के, तो यह भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। स्थिति यह है कि राज्य बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे, अपने उच्च अधिकारियों का लाभ प्राप्त करेंगे, पिता का सुख सानिध्य प्राप्त करेंगे, पिता का स्नेह प्राप्त करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे, बहुत अपने बुद्धि का पूरा पूरा प्रयोग आप कर पाएंगे इस अवधि में। गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, परंतु स्वास्थ्य के कारण परिश्रम में अवरोध की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है, ग्लैमर में वृद्धि होता दिखाई देगा। वृश्चिक राशि की बात करेंगे, तो वृश्चिक राशि में सप्तमेश और व्ययेश होकर के नवम भाव में जा रहे हैं। सप्तमेश होकर के नवम भाव में जाना अच्छी बात है, व्ययेश होकर के नवम भाव में जाना थोड़ी सी गड़बड़ी है। फिर भी शुक्र का यह गोचरी परिवर्तन भाग्य में वृद्धि करेगा, खर्च में वृद्धि कराएगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, सामाजिक दायरे में वृद्धि करेगा, परंतु आंतरिक डर में भी वृद्धि करने वाला है। प्रेम संबंधों में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, वैवाहिक कार्यक्रमों में अवरोध आ रहा था, अड़चन आ रही थी, तनाव आ रहा था, तो यह समय आपके लिए उचित होगा प्रयास करने का, इसमें आपका काम बनता हुआ दिखाई देगा। साझेदारी के कार्यों को लेकर के भी कुछ नई प्रगति हो सकती है, कुछ नया कार्य हो सकता है, भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। धनु राशि की बात करेंगे, तो धनु राशि वालों के लिए शुक्र अष्टम भाव में जा रहे हैं, कर्क राशि में जा रहे हैं, ऐसे में छठे भाव के कारक होकर जा रहे हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, परंतु लाभ के कारक होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो लाभ भंग योग का निर्माण कर देंगे, तो मिश्रित फल प्रदान करने वाले हैं। एक तो दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव पर, तो ऐसे में कुटुंब में नया काम होगा, बड़ी व्यवसाय में वृद्धि होगी, सेल्स मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां आप अच्छा कर सकते हैं, आपकी वाणी मधुर होगी, आप अपने वाणी के आधार पर दूसरों को आकर्षित करके अपना काम निकलवा पाएंगे, कुटुंब में कुछ अच्छा कार्य होता दिखाई देगा, तो ये अच्छी बात हो गई। धन आता हुआ दिखाई देगा, ये अच्छी बात हो गई। स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, विशेष करके पेट पैर पेशाब की समस्या आपको परेशान कर सकता है, साथ में अति घनिष्ठ व्यक्तियों से तनाव की स्थिति हो सकती है, स्किन एलर्जी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अधिक प्रयास के बाद आपको लाभ की स्थिति दिखाई देगी, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मकर राशि की बात करेंगे, तो मकर राशि में परम राजयोग कारक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये पंचम भाव के कारक होते हैं, राज्य भाव के कारक होते हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं, सप्तम भाव में जा रहे हैं, लग्न पर दृष्टिपात करेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति है। क्या क्या होगा? तो राज्य बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा, बौद्धिकता के आधार पर नया कार्य करते हुए आप दिखाई देंगे, लेखन शक्ति में के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां भी बेहतर करते हुए दिखाई देंगे, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं वहां भी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ जीवन साथी दाम्पत्य जीवन के साथ साथ प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। इस प्रकार शुक्र का यह परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा, साझेदारी के कार्यों में वृद्धि भी करेंगे, नए रोजगार के साधन भी बनते हुए दिखाई देंगे, अचानक धन लाभ की स्थिति होती दिखाई दे रही है इस अवधि में। कुंभ राशि की बात करेंगे, तो कुंभ राशि में ये छठे भाव पर जा रहे हैं, रोग रहे शत्रु के भाव पर जा रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगे, फिर भी द्वादश भाव और छठे भाव में शुक्र का समान परिणाम प्राप्त होता दिखाई देता है, ऐसे में भोग में वृद्धि, एलर्जी में वृद्धि,
यात्रा खर्च में वृद्धि, आकर्षण में वृद्धि, भौतिकता के संसाधनों में वृद्धि होगा। सुख के संसाधनों पर खर्च करते हुए आप दिखाई देंगे। गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। साथ ही साथ भाग्य में परिवर्तन होगा, परंतु अधिक परिश्रम के बाद आप भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि भाग्य का साथ कम प्राप्त हो रहा है, परिश्रम आप ज्यादा कर रहे हैं। इस बीच में खर्च का वातावरण ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्किन एलर्जी या आंतरिक रोग को लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मीन राशि की बात करेंगे तो मीन राशि में ये जा रहे हैं पंचम भाव पर, कारक हो जाते हैं तृतीय भाव के और अष्टम भाव के। ऐसे में बहुत शुभ परिणाम प्रदान नहीं करते मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए। लेकिन पंचम भाव में जाकर के लाभ भाव में दृष्टिपात करेंगे तो लाभ बढ़ा देंगे, आर्थिक गतिविधियों में सुधार कर देंगे, अचानक धनागम के स्रोत बना देंगे और संतान पक्ष को लेकर चिंता की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। परंतु भाई बहनों मित्रों के सहयोग सानिध्य से सकारात्मक कार्य होता दिखाई देगा, सामाजिक दायरा बढ़ता दिखाई देगा। साथ ही आपका अध्ययन अध्यापन से मन विचलित होगा तो आपको शुक्र का उपाय करना बेहद जरूरी है। शुक्र का उपाय अगर करते हैं तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होगी। इसके लिए गाय को प्रतिदिन अपने थाली से एक रोटी निकाल करके खिलाना है और मंदिर में जाकर के सुगंधित द्रव्य माता को अर्पित करना है। सफेद मिठाई का भोग शुक्रवार की रात में माता को चढ़ाना है, लगाना है। इससे उनकी कृपा से सारे कष्ट आपके दूर होंगे और 2 अक्टूबर तक आपके आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। इस प्रकार पंडित दिवाकर त्रिपाठी को दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले कार्यक्रम को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।